एक बार फिर से बच्चे को या अन्य तमाम राजनीतिक पार्टियां की गतिविधि जो है वो अब शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी की मन की बात चल रही है और आज बीजेपी कार्यालय में प्रदेश समिति एक दिवसीय प्रदेश समिति की बैठक भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए तमाम जो लोग हैं बिहार सरकार में के जो कई मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जो हैं वो भी आज दिल्ली से पटना पहुँचे हैं। सुबह 9 बजे की फ्लाइट से वो पटना पहुँचे हैं। उसके बाद आज बीजेपी में एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उससे पहले मन की बात की शुरुआत हो रही है और मन की बात शुरुआत होने के बाद तमाम जो यहाँ मंत्री हैं बिहार सरकार में सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है केजरीवाल मौजूद हैं, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, राम सूरत राय बिहार सरकार में, साथ ही साथ नीरज कुमार अन्य जो बिहार सरकार में मंत्री जयेश मिश्रा भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो इस पार्टी के में जो तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के, बिहार भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। तमाम मंत्री मौजूद हैं और आज से जो है एक तरफ से कहा जाए कि आज से पार्टी को जो एक्टिव मोड की जो शुरुआत है वो भाजपा फिर से करने जा रही है। और देखिए एक तरफ मन की बात शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात चल रही है और दूसरी तरफ तमाम लोग मन की बात की सुनेंगे। उसके बाद जो उस जो फोटो लगा हुआ है भाजपा कार्यालय में उस पर माल्य अर्पण करके उसके बाद पुष्प अर्पण करके उसके बाद कार्य समिति की बैठक को शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा था कि 12:30 बजे से बैठक होगी, लेकिन उससे पहले यह भी कहा गया था कि मन की बात शुरू हो रही है और मन की बात शुरुआत होने के बाद अब फिलहाल अभी मन की बात चल रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं या बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी के जो MLC हैं, तमाम जो लोग यहाँ मौजूद जो हैं वो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुन रहे हैं और इसके बाद जो है वो इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में यह रणनीति बनाया जाएगा कि पहले पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव को लेकर जो है इससे पहले भाजपा ने यह आदेश दिया है कि तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर देना है, तमाम लोगों को वैक्सीन ले लेना है, इसके बाद ही जो पंचायत चुनाव लड़ने की रणनीति है वो दी जाएगी। लेकिन आज जो कार्य समिति की जब बैठक हुई है तो इस तमाम मुद्दे पर भी गहन चर्चा होगी। पंचायत चुनाव जो है उस पर भी पूरी तरह से चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से जो है वो होना चाहिए। कार्य समिति की बैठक में यह फैसला होगा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी किस मोड से, किस एक्शन मोड से आना चाहिए। साथ ही साथ यह कयास है कि जो बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुँचे वो इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो है कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो कहीं ना कहीं क्या कुछ गतिविधियां चल रही है बिहार में, उसका भी जायजा लेने के लिए भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार।